Hello everyone, welcome to Hike Mentors. Today we are going to discuss about the MCQs questions. Most of you in reading especially face problem related to MCQ questions, and most of the times you leave them in your exams or in your mock test. So need not to worry, we have some special things to do about the MCQ questions. My name is Aman Hike and I have been teaching IELTS for 5 years. Today I'm going to share some of the tricks that I've made for you guys. Okay, so let's jump to the passage. You can clearly see the passage here, which is about the biological control pest here. And if I talk about the questions that we are going to do are about the MCQ questions, just let me share them with you too. Okay, here you can see the questions here about the use of pesticides, and we have different options for them. Okay, so let's jump to the passage and start the things too. सो एम सी क्यूज़ के अंदर बेसिकली आपको करना क्या गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन शो करूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, वो आपके क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेजेस को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जस्ट क्वेश्चन को गो थ्रू करना है. एंड क्वेश्चन को गो थ्रू करने के बाद आपको डायरेक्टली यू विल गो टू द पैसेज एंड फाइंड द लोकेशन. आपको ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं. ऑप्शंस आपको क्यों नहीं पढ़ना है, बिकॉज आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मैचिंग दिया जाता है इसके अंदर. ऑप्शंस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं आज एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर आप गलत ऑप्शन को रिमूव करने वाले हो रदर देन चूजिंग द राइट वन. ओके, सो इफ आई शो यू द पैसेज हेयर, बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर हमारा पैसेज है. एंड जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, वो फाइंड आउट करने हैं आपको पेस्टिसाइड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू. तो पेस्टिसाइड के ऊपर पैसेज है, दैट इज नॉट योर कीवर्ड. कंट्रीब्यूशन आपको देखना है कि किस चीज़ के अंदर जो है पेस्टिसाइड्स ने कंट्रीब्यूशन आपका किया है. सो इफ आई शो यू द पैसेज हेयर, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कंट्रीब्यूशन का लोकेशन. तो इफ आई स्टार्ट रीडिंग द पैसेज, यहाँ पे गिवन है आपको रेकलेस यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, द कंट्रोल ऑफ पेस्ट विच पोज अ थ्रेट टू, थ्रेट बेसिकली होता है आपका खतरा, उसने एक डेंजर क्रिएट किया एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए जो आपके और ह्यूमन हेल्थ के लिए, जो भी आपके आजकल सिंथेटिक केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं जिनको कंट्रोल पेस्ट को, यानी कि जो भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर हार्मफुल जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं आपके एग्रीकल्चर के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं सिंथेटिक केमिकल, उनको आप पेस्टिसाइड्स बेसिकली बोलते हो. सो यहाँ पे उनके बारे में ही बात हो रहा है. एंड अगर कंट्रीब्यूशन का लोकेशन हम फाइंड आउट करें, सो ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कंट्रीब्यूशन का लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है. एंड अगर हम पैसेज को दोबारा से रीड करना यहाँ से स्टार्ट करें, अपार्ट फ्रॉम एंडेंजरिंग वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अपार्ट फ्रॉम यानी कि इसके अलावा, कनेक्टिव जो आप राइटिंग में भी यूज़ करते हो, एंडेंजरिंग, एंडेंजरिंग होता है आपका जब आप किसी चीज़ को डेंजर के अंदर डाल रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप जो है थ्रेट क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे. सो बेसिकली वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मीन्स इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है, आपका एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड है, एक आपका जो है ट्री है वो सपोज कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी इकोलॉजी सिस्टम. तो जब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर डिपेंड रहती है, दैट इज़ योर इकोलॉजिकल सिस्टम. तो इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन्होंने क्रिएट कर दिया. पेस्टिसाइड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट. केमिकल रेजिस्टेंट मीन्स जिस चीज़ के ऊपर उनका असर नहीं हो रहा है, केमिकल का असर नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ न्यू ब्रीड जनरेट हो गई है ज़्यादा यूज़ करने की वजह से. बेसिकली अगर मैं शॉर्ट आपको समझाऊँ तो केमिकल जैसे हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर्स के ऊपर, तो पोटेंशियल जो है इंसेक्ट्स का भी बढ़ रहा है. अब उनको स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ रहे हैं, जिससे फिर होता क्या है, वो पेस्टिसाइड्स आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं और आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं. सो हाईली लीथल सुपरबग्स, लीथल वही होता है आपका डेंजर जब भी कोई चीज़ रहती है. सो इफ आई शो यू द क्वेश्चंस, अभी तक हमने जो पढ़ा गाइस, वो बात हो रही है हमारी कि कंट्रीब्यूशन हमें देखना था. कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया है, एक तो उन्होंने इकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट किया, दूसरा उन्होंने क्या किया कि न्यू ब्रीड्स जो है जनरेट हो गए उसकी वजह से. सो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूँ तो ए चेंज इन अवर वे ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की इसके अंदर जरूर बात हो रही है गाइस. यही मैं आपको चीज़ बताने वाला था कि वर्ड आपको क्लियरली गिवन होंगे, बट यहाँ पे अगर हम देखें आर क्लासिफाइड बाय दी एग्रोकोलॉजिस्ट, जो भी एग्रीकल्चर को रीड करने वाले होते हैं, स्पेलिंग माइट बी मिस्टेकन हियर. सो ए चेंज इन द वे, कोई भी चेंज आपको वे नहीं बताया गया, खाली इकोलॉजी की बात जरूर थी वहाँ पे.
एंड इम्बैलेंस, इम्बैलेंस वहाँ पे डिसऑर्डर वर्ड आपका लिखा हुआ था, इम्बैलेंस यानी कि लाइक 60-40 या कुछ भी इस तरह का क्रिएट करना, इकोलॉजी अराउंड द वर्ल्ड ये उन्होंने जरूर बात किया था, तो इट कुड बी द आंसर. अभी हमने रेस्ट ऑफ द आंसर्स जो है नहीं पढ़े हैं गाइज. एंड इफ आई टॉक अबाउट दी सी, द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्रिवेंशन होता है किस चीज़ को रोकना, तो डिजास्टर्स होते हैं लाइक अर्थक्वैक हो गया आपका, फ्लड हो गए, तो ऐसी भी कोई बात हमने नहीं पढ़ी है. एन इंक्रीज इन रेंज ऑफ इकोलॉजी विच कैन यूजफुली फार्म्ड, ऐसा भी उन्होंने कोई बात नहीं किया कि यूजफुली वो कोई भी रेंज, कोई भी अलग अलग डाइवर्सिफाई कोई चीज़ को कियो. सो आपका आंसर क्या बचता है, बी. तो आपको गाइस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, प्रॉब्लम्स आपकी अपने आप जो है क्रिएट हो जाएंगी, जैसे एक सॉल्व हो जाएंगी. सॉरी, जैसे कि अगर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे गो थ्रू करूँ, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड कल्चर का, जो फूड एंड एग्रीकल्चर का जो भी था, हैज़ काउंटेड मोर देन 300 एग्रीकल्चर्स, उन्होंने जो है 300 एग्रीकल्चर पेस्ट को जो है उन्होंने रीड किया. तो अब हमें देखना है पेस्टिसाइड्स के अंदर से कि वो चीज़ क्या उन्होंने रीड किया, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है. अगेन वी आर नॉट गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, वी आर गोइंग टू द पैसेज. अगर पैसेज के अंदर मैं आपको देखूँ तो 300 का सबसे पहले आपको लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, 300 स्पीसीज. सो अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट सर्वे जो हमने देखा है, स्टडी जो हो रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी आपको मिल रहा है, 300 से ज़्यादा स्पीसीज के ऊपर उन्होंने जो डेवलप किया था रेजिस्टेंस टू ए वाइड रेंज ऑफ पोटेंट केमिकल. जो आपने ऊपर बात पढ़ी थी ना गाइस कि वो केमिकल रेजिस्टेंट हो गए हैं, केमिकल का अब उनके ऊपर जो है असर नहीं हो रहा है, तो 300 स्पीसीज उनके अंदर से जो है आजकल ऐसी हो गई हैं जो कि उन्होंने पोटेंशियल क्रिएट कर लिया, उनका इतना असर जो है नहीं हो रहा है केमिकल्स के. ठीक है, नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड आर द डिसीज स्प्रेडिंग पेस्ट. अगर डिसीज स्प्रेडिंग पेस्ट की अगर बात करूँ जो कि बीमारियाँ फैलाते हैं यहाँ पे, अबाउट 100 स्पीसीज ऑफ विच हैव बिकम इम्यून टू ए वराइटी ऑफ इंसेक्टिसाइड्स नाउ इन यूज. सो 100 स्पीसीज तो ऐसी हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, टोटली वो जो है टोटली पोटेंट उन्होंने क्रिएट कर लिया 100 स्पीसीज ने, बट 300 ऐसी हैं जिन्होंने कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट किया है. ठीक है, और 100 स्पीसीज के ऊपर तो बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा उनका. इसके बाद अगर बात करें तो आगे ऐसा कुछ वहाँ पे बात नहीं हो रही है, इतना इतने के ऑप्शन हम पढ़ के देख लेते हैं, सो दैट माइट बी वी गेट सम क्ल्यूज अबाउट इट. सो बेसिकली अगर मैं देखूँ, आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू मोस्ट पेस्टिसाइड इन यूज, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स को, बिल्कुल आपका आंसर हो सकता है ये, बट हम और ऑप्शन को भी एक बार गो थ्रू कर लें. कैन बी ईजिली कंट्रोल थ्रू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं है गाइज, वो कह रहे थे कि उन्होंने पोटेंशियल क्रिएट कर लिया केमिकल्स के ऊपर, तो उनको ज़्यादा स्ट्रॉगर केमिकल उनको यूज़ करने पड़ रहे हैं, बी ऑप्शन आपका रिमूव करते हैं हम. सी पे अगर मैं आपको लेके चलूँ, कंटिन्यू टू स्प्रेड डिसीजेज इन ए वाइड रेंज ऑफ ग्रोथ, स्प्रेड डिसीज से रिलेटेड भी गाइज, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन में दिखाया, इकोलॉजी वर्ड आपका क्लियरली गिवन है, यहाँ पे भी इसी तरह आपको स्प्रेड डिसीजेस वर्ड यहाँ पे दे रखा है, लेकिन वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स दे रखा है, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है, कंटिन्यू जैसी भी कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ एक कैटेगरी उन्होंने बात करी थी कि अगर वो स्प्रेड डिसीजेस की भी बात करें 100 स्पीसीज की. ठीक है, डी दे रखा था, मे बी यूज एज ए पार्ट ऑफ बायो कंट्रोल रिप्लेसमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी थी गाइस. सो ए वुड बी आवर आंसर. ठीक है, सो आपको ऑप्शंस को गो थ्रू करना है, ऑप्शन को चेक करना है कि जो आप ऑप्शन लगा रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं एक सिंगल वर्ड वहाँ पे दे रखा है बाकी कोई इन्फॉर्मेशन मैच ही नहीं हो रही है. ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करूँ, कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका बिगेन टू यूज़ पेस्टिसाइड्स, जो फार्मर हैं सेंट्रल अमेरिका में उन्होंने पेस्टिसाइड्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया है वो अभी आप लोगों को देखना है. सो वी विल मूव टू द पैसेज हियर. USA के फार्मर्स को आपको देखना है गाइस कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है. क्लियरिंग एडवांटेज ऑफ पेस्टिसाइड्स वाइल डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल पेस्ट, यहाँ पे आई एम गिविंग यू टाइम हियर टू फाइंड द लोकेशन. नो वी आर नॉट गेटिंग इट हियर एज वेल. हैवोक द ट्रेडमिल सिंड्रोम सेंट्रल अमेरिका इन अर्ली पेस्टिसाइड्स. ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका हियर. In the early 1940s, basking the glory of chemical-based intensive agriculture. So, जो 1940s में जब chemical जो इस तरह का start हुआ agriculture यहाँ पे, जब pesticide का use ज़्यादा होने लगा guys, took pesticide use a sure measure to boost crop yield. Crop yield क्या होता है guys आपका?
आपका जो प्रोडक्शन होता है, सपोज राइस है, आप उसका कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हो, जो आपके ऊपर आता है, लाइक जितना भी एक लाइक 1 केजी 2 केजी जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कंसिडर योर यील्ड। प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता है, आपका आउटकम जो भी आपके ऊपर आता है, बूस्ट मीन्स इंक्रीज करना। तो उन्होंने क्या किया था गाइस, फार्मर्स ने पेस्टिसाइड्स की हेल्प से अपने क्रॉप यील्ड को जो है इंक्रीज किया, ठीक है। सो नाउ जस्ट लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। और वॉज अप्लाइड 8 टाइम्स इन अ ईयर mid-1940s। 8 टाइम्स वो इनको जो है अप्लाई करते थे, यानी कि 8 टाइम्स वो जो स्प्रे वगैरह करते होंगे पेस्टिसाइड्स का। राइजिंग टू 28 इन अ सीजन इन द mid-1950s। और ये चीज़ बढ़ के 8 से 28 पे इंक्रीज हो गया था mid-1950 में। ओके सो वो भी हमें गो थ्रू करना है कि स्प्रे के यूज़ के इंक्रीज के बारे में उन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं या फिर किसी और चीज़ के बारे में दे रखे हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने क्वेश्चन की, वेयर इज़ आवर क्वेश्चन, इट इज़ हेयर, फूड एंड एग्रीकल्चर। ओके 16 वी हैव डन, 17 वर वीपिंग आउट 50% ऑफ द पेस्ट प्लेगिंग द क्रॉप्स, कि वो 50% पेस्ट को बिल्कुल ही वाइप आउट कर रहे थे, बिल्कुल ही खत्म कर रहे थे। नहीं कहा उन्होंने गाइस ऐसा। वर डिस्ट्रॉइंग 50% ऑफ द क्रॉप्स दे वर मीन टू प्रोटेक्ट, ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, नो, वाइपिंग आउट का कुछ भी नहीं था। वर कॉजिंग ए 50% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू पेस्ट रिपोर्टेड, कि उनके स्प्रे की वजह से जो न्यू पेस्ट हैं वो ग्रो हो रहे थे, ऐसा भी इन्होंने कोई बात नहीं की है। तो आपका लास्ट ऑप्शन बनता है टोटली अमाउंट देयर स्प्रे कॉस्ट। नो इट इज नॉट इवन हेयर गाइस, जस्ट लेट अस चेक इवन वाइट, वी आर इन 17, ओ दैट इज नॉट द क्वेश्चन, वी वर ऑन 16 गाइस, जस्ट सॉरी फॉर दैट, यूज टू यूज बिकॉज ऑफ इंटेंसिव इन रिस्पॉन्स ऑफ अपेयरेंस ऑफ चेंज इन दिस सेशन टू एंश्योर। इफ आई टॉक अबाउट द 16 गाइज, आई थिंक कि आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू हो गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रिमूव हो गया कि जो यूएसए के फार्मर्स थे उन्होंने पेस्टिसाइड्स को यूज़ क्यों किया था। ये क्वेश्चन मैं आपको जो है दूसरी स्क्रीन पे एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ गाइज, द क्वेश्चन इज हेयर, या कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका बिगेन टू यूज़ पेस्टिसाइड, कि वो किस चीज़ के लिए जो है यूज़ कर रहे थे उस चीज़ को, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। अभी हमने पढ़ा कि वो क्रॉप यील्ड को जो है ग्रो करने के लिए पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ इंटेंसिव गवर्नमेंट बिगेन टू एज अ रिजल्ट टू चेंज इन सीजन अर्थ टू एंश्योर मोर कॉटन वर हार्वेस्टेड विद ईच ग्रुप, ताकि वो ज़्यादा कॉटन को जो है हार्वेस्ट कर सकें, अपने यील्ड प्रोडक्शन को जो है बूस्ट कर सकें। गाइस हार्वेस्ट क्या होता है, जो भी आपके क्रॉप का प्रोडक्शन रहता है, ठीक है। चेंज इन सीजनल क्लाइमेट की कोई बात नहीं थी। इन रिस्पॉन्स एंड न्यू वैरायटी ऑफ पेस्ट वहाँ पे आपको दे रखा था, मैं पैसेज में अभी आपको दोबारा शो करूँगा, लेकिन उन्होंने इन रिस्पॉन्स टू द अपियरेंस, उनके रिस्पॉन्स में नहीं किया गया था गाइस, उनकी वजह से आपको ऑप्शन दे रखा कि क्रिएट हो गई थी, नो देर इज नॉट सच थिंग्स, ठीक है। सो टू एंश्योर मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड इन फ्रॉम ईच ग्रुप। सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट टू यू, आपको करना क्या गाइस, आपको क्वेश्चंस को क्वेश्चन पढ़ के आपको एमसीक्यूज को जो ऑप्शंस हैं उनको नहीं देखना है, वी विल जस्ट एलिमिनेट दी रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। ए बी सी डी आपको अगर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप ट्राई करोगे कि कौन से ऑप्शन के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड फॉर मोर वीडियोज जस्ट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज, एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन सम ऑनलाइन क्लासेस, वी आर प्रोवाइडिंग दैम 1-to-1 2 वेयर यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल दी 4 मॉड्यूल्स। सो वट नेक्स्ट वीडियो यू वॉन्ट, लाइक वट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विद, वट काइंड ऑफ राइटिंग क्वेश्चन यू वॉन्ट मी टू डिस्कस हियर, जस्ट प्लीज शेयर इन द कमेंट्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स द वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर बींग वॉचर ऑफ द हाइक मेंटर्स।